जिला सिवनी लखनादौन ओबीसी महासभा ब्लॉक लखनादौन के द्वारा आज 7 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लखनादौन तहसीलदार भावना मलगाम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ओबीसी की जातिगत जनगणना करने, सीएचओ में भर्ती में 27% ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित किए जाने सहित मांगों के संबंध में ओबीसी महासभा द्वारा पिछड़े वर्ग की बिंदुवार मांगों के लिए मांग पत्र, उपरोक्त मांगों पर तत्काल कार्रवाई कर ओबीसी वर्ग को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें, यही आवेदन है। अन्यथा की स्थिति में ओबीसी महासभा संपूर्ण प्रदेश में आंदोलन के लिए विवश होगी, जिसकी जवाबदेही सरकार की होगी। इन सभी मांगों को लेकर उपस्थित सभी वरिष्ठ नागरिक, ओबीसी महासभा लखनादौन के ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट उमेश गोल्हानी बंधु, जिला उपाध्यक्ष कन्हैया लाल यादव, जिला महासचिव तरुण श्रीवास और ब्लॉक सचिव सुनील यादव और एडवोकेट अंबिका पटेल सहित अन्य ओबीसी महासभा के पदाधिकारी सदस्यगण ज्ञापन सौंपते समय उपस्थित रहे। ओबीसी महासभा के द्वारा पूरे प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में भी जातिगत जनगणना कराने के लिए और जनगणना फार्म में ओबीसी का कलम जोड़े जाने के लिए और किसानों के द्वारा भी जो किसानों के लिए जो हुआ है उसके बारे में सारी पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया गया है कि ओबीसी का जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जो जनगणना के कलम में सही कलम रहे, इसके लिए सब पूरे प्रदेश में अन्य प्रदेशों में भी ज्ञापन दिया। एस डी एम साहब थे नहीं तो तहसीलदार महोदय जी इसी उनको दिया गया, मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन को गया है द्वारा एस डी एम साहब। अभी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जो पद निकाले गए हैं उसमें 14% आरक्षण दिया गया है, 23% आरक्षण दिया गया है, उस संबंध में वो जाति के जो अत्याचार हो रहा है उसके संबंध में अपना अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए ज्ञापन दिया। तो आपका कहना है कि अभी कितना 14% की है? हाँ, तो आप क्या चाह रहे हैं? 27%। हाँ, 27% उसी के उसमें आपने ज्ञापन ज्ञापन किया। ओबीसी महासभा के द्वारा ऊपर सदस्यों के द्वारा इनका जो कहना है कि 14% जो अभी लगा है, उनका कहना है कि 27%। अब देखते हैं इस खबर का असर कहाँ तक होता है, जो मैडम को ज्ञापन सौंपा गया है इसका असर कहाँ तक होता है।